नमस्कार, मैं संजय डोड़ा। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैथल 24 न्यूज। इस वक्त हम कुंडरी हल्के के गांव पाई में मौजूद। आपको बता दें कि ये बूथ नंबर है जो 8, 9, 10 बूथ नंबर पड़ता है, लेकिन आज मतदान का दिन है। 30 अक्टूबर को आज ब्लॉक समिति और जिला परिषद का मतदान होगा। और वहीं आपको बता दें कि मतदाता है जो भारी संख्या में भाग लेने के लिए यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँचे हुए हैं। महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें, काफ़ी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई है वोट डालने के लिए, क्योंकि एक एक वोट कीमती है। और यही बात कहते 24 न्यूज़ कहता है कि आप घरों से बाहर ज़रूर निकलें और वोट डालने के लिए ज़रूर पहुँचें। और बता दें कि ये बूथ नंबर है जो 8, 9, 10 बूथ पड़ता है, और सुरक्षा के भी भारी इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और लगातार प्रशासन भी तैनात किया गया है भारी संख्या में, जिस तरह से ताकि कोई अनहोनी घटना न हो। और वहीं यहां पर बता दें कि जो बूथ नंबर 8, 9, 10 है, यहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। और महिलाओं की लाइन है देखिए यहां पर, और पुरुषों की लाइन है जो लंबी लगी हुई है। और कैथल 24 न्यूज़ यही कहता है कि चुनाव आते जाते रहेंगे, भाईचारा बना के रखें और शांति से मतदान करें और घरों से बाहर निकलें। और बता दें कि यहाँ पर देखिए काफ़ी महिलाएँ इनके हाथों में वोट लेकर, ये देखिए यहाँ पर पर्ची है इनके हाथ में और ये वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुँची है, क्योंकि आज मतदान का दिन है। 30 अक्टूबर को ब्लॉक समिति और साथ ही जिला परिषद के चुनाव यानी मतदान होंगे, और 2 अक्टूबर का जो है पंच और सरपंच के मतदान होंगे। लेकिन बाहर का दृश्य भी आपको चलिए दिखाते हैं। ये बूथ नंबर 8, 9, 10 बूथ नंबर है, और यहाँ का आपका दृश्य दिखाई देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर जितने भी उम्मीदवार हैं। ब्लॉक समिति की बात करें या फिर जिला परिषद की बात करें, सभी उम्मीदवारों के अलग अलग बूथ है यहाँ पर लगे हुए हैं, पर्चियाँ दी जा रही है। उस साइड से दिखाएं, उस साइड कैमरामैन से कहूँगा वहाँ से नज़र दिखाओगे तो कैमरामैन से उस साइड तक वहाँ पर जा भी पर नज़र जाएगी, वहीं पर ब्लॉक समिति जिला परिषद के बूथ लगे हुए हैं, क्योंकि ये बूथ नंबर है जो 8, 9, 10 पड़ता है। और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, उससे ही पहले मतदान से पहले ही कैथल एसपी मकसूद अहमद के द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला गया था ताकि सुरक्षा व्यवस्था भंग न हो। और ये दृश्य दिखाने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे थे, ये बूथ नंबर 8, 9, 10 पड़ता है, और यहाँ पर हम पहुँचे। और यहाँ पर फिर कहूँगा कैमरामैन से दिखाया, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है जो बढ़ती जा रही है, और साथ ही सुरक्षा के लिहाज से धारा 144 भी यहाँ पर यानी बूथ के आसपास लगाई गई है। तो बने हमारे साथ, देखते रहिए कैथल 24।